हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। जब वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य रुपये में दिए हो, तब हम कौन सा फार्मूला यूज करते थे? लाभ। लाभ बराबर क्या होता था? लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, अगर हानि होता था तो हम क्या लिखते थे ऊपर? हानि बट्टे सीपी गुणे 100। ठीक है, जब रुपयों का लाभ या हानि होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं जब हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपये में दिए हो, तब इस तरह का फार्मूला यूज करते हैं। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपयों में ना देके वस्तु के रूप में दिए हैं, तब उस सवाल को दूसरे तरीके से लगाया जाता है। इस चीज का हम एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, क्या वो रुपये में दिया है कि वस्तु के रूप में दिया है। अगर वस्तु के रूप में दिया है तो हम उसे दूसरे विधि से लगाएंगे। और पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपयों में दिए हो तब कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तुओं के रूप में दिए हो तब कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं। जब हमारा क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये वस्तुओं के रूप में दिए हों, तो हमेशा हम देखो एक ही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या यूज करते थे? सीपी। और इसमें क्या यूज करना हमें? एसपी। क्या यूज करना है? एसपी। अब यहाँ एसपी है तो यहाँ भी क्या रख देंगे? एसपी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सीपी। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस हम यही ध्यान रखें, परसेंटेज है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। एसपी को नीचे रखेंगे, एसपी है तो माइनस के बगल में भी एसपी रखेंगे और उसके पहले क्या रखेंगे? सीपी। अगर ये वैल्यू, ठीक है, अगर पॉजिटिव है, कैसा है? पॉजिटिव है तो क्या होगा? लाभ प्रतिशत होगा। अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो क्या होगा? हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, बस बहुत आसान सा फार्मूला है, दिमाग में रखना है कि जब वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया होता है तब एसपी को नीचे रखते हैं, और एसपी को नीचे रखते हैं माइनस के बगल में भी एसपी होता है, पहले क्या आ जाता है? सीपी। अगर प्लस इसका वैल्यू आता है तो लाभ प्रतिशत होगा, अगर माइनस आता तो हानि होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। अब यहां पर देखो वस्तु दिया है, यहां पे क्या दिया है? वस्तु। हम बताए हैं कि हमेशा क्या किया जाता है? एसपी को नीचे रखेंगे, तो इसमें एसपी कितना दिया है? 40, तो ये माइनस 40, और सीपी का मान कितना है? 50, और गुणे 100 कर देंगे। अब 50 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बट्टे 40 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। ये देखो वैल्यू का इतना आया, धनात्मक आया कि नहीं? अगर धनात्मक वैल्यू है तो इसके मतलब कितना हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% का लाभ। अगर ये माइनस में आया होता, क्या होता? माइनस में आया होता तो हमारा क्या हो जाता? ये हानि हो जाता है। ठीक है, बस इतने इसी फार्मूले को ध्यान में रखेंगे कि एसपी को नीचे रखेंगे, माइनस के बगल में एसपी रखेंगे, उसके पहले सीपी रखेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला तब लगाया जाता है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपये में ना देके वस्तु के रूप में दिए हों। ठीक है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, और जिसका प्रैक्टिस नहीं होता ये इस फार्मूले से लगा देता है और क्या हो जाता? हो गलत हो जाता है। फार्मूले से अगर आप लगाएंगे तब भी आपका उसमें से जो ऑप्शन होगा वो मैच करेगा, लेकिन आप इससे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप ध्यान में एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसके रूप में दिए हैं? वस्तु के रूप में। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन हम 20 सेकंड में लगाते हैं।
पहले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ है। कह रहा देखो 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कह दिया तो क्या हो जाएगा सीपी, क्या हो जाएगा ये सीपी, सीपी का मान कितना हो जाएगा 36। 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एसपी का मान कितना हो जाएगा 30। तो बताना है कि कितना लाभ होगा कि हानि होगा। हम बताए हैं कुछ नहीं करना भाई, अगर वस्तु के रूप में दिया है एसपी को नीचे रखेंगे माइनस किधर 30, अब इधर क्या लिख देंगे सीपी गुणे 100। अब देखो 36 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 6/30 गुणे 100, 6 × 5 = 30 और 5 से काटेंगे 20 × 5 = 100 कितना आ जाएगा 20। अगर धनात्मक आ रहा है तो क्या होगा लाभ होगा, यानी 20% का क्या होगा लाभ होगा। फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं, देखो कह रहा है क्रय मूल्य 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी ये सीपी का मूल मान हो जाएगा, कह रहा है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी विक्रय मूल्य कह दिए तो क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी का मान 30 हो जाएगा। अब हमेशा फार्मूला यही रखेंगे, नीचे एसपी रखेंगे यानी नीचे एसपी रखेंगे, अगर 30 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी माइनस 30 कर देंगे और सीपी को पहले लिखते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू प्लस धनात्मक आता है तो लाभ होगा, अगर माइनस आता है तो हानि होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले वाला। अगला क्वेश्चन 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा देखो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी क्या हो जाएगा ये सीपी कितना हो जाएगा 18, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी जब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये सब लिखते रहेंगे, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यू फार्मूले पे रख देंगे, फार्मूले दिमाग में होने चाहिए। तो हम क्या बताए हैं कि हमेशा एसपी को नीचे रखते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा 15 माइनस के यहाँ 15 और सीपी का मान कितना है 18 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो 18 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 3, नीचे 15 गुणे 100 तो 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20% का लाभ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत होगा। कह रहा 12 पेनों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी, सीपी का मान कितना है 12, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसपी को नीचे रखेंगे, यहां भी एसपी रखेंगे, यहां सीपी रख देंगे गुणे 100, ठीक है। अब 12 में से 8 जाएगा 4, नीचे 8 गुणे 100, 4 × 8 = 2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा ये 50, कितना आ जाएगा 50%। अब देखो धनात्मक वैल्यू है तो क्या होगा लाभ होगा, यानी 50% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। आप तो जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब सवाल 20 सेकंड के अंदर लग जाते हैं दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका प्रैक्टिस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल, पचास संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। देखो कह रहा है यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य कह दिया तो किसका मान हो जाएगा सीपी का, सीपी का मान कितना दिया है 50 का, विक्रय 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो भाई देखो हम बताए हैं एसपी को हमेशा क्या हमें रखना है नीचे रखना है, और यहाँ भी क्या कर देना माइनस के बगल में एसपी कर देना, जो नीचे लिखेंगे माइनस के बगल में वही लिख देना, और सीपी जो बचेगा यहाँ लिख देना है गुणे 100। अब 50 में से 40 जाएगा कितना बचेगा 10/40 गुणे 100, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25 बार कट जाएगा 25 × 4 = 100 यानी 25%, 25% क्या हो जाएगा लाभ, क्या हो जाएगा लाभ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। आपको इसमें बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। हम बताए हैं अगर हमारा जो वैल्यू धनात्मक आएगा तो लाभ होगा, अगर हमारा वैल्यू जो है ऋणात्मक आएगा यानी माइनस में आएगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो क्वेश्चन है पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया है, पांच दिया है। पांच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के लागत मूल्य, तीन वस्तुओं के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य का मान कितना दिया है, तीन। कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसपी को नीचे रखेंगे और माइनस के बगल में भी एसपी रखेंगे, इधर कितना हो जाएगा, तीन गुणे सौ। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्या तीन में से पाँच घटेगा, नहीं घटेगा, यानी पाँच में से तीन को घटाएंगे और ये पाँच जो है माइनस में है तो ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस के दो बट्टे पाँच गुणे सौ, पाँच से काटेंगे पाँच दूनी दस कितना हो जाएगा, बीस हो जाएगा, अब बीस दूनी चालीस, माइनस कितना हो जाएगा चालीस, ये माइनस क्या शो करेगा, ये हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि, यानी माइनस 40% माइनस क्या शो करेगा, हानि, तो हानि हानि कितनी हो जाएगा 40%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो देखने के बाद जो भी आपके पास बुक है उस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत है। कह रहा देखो 15 मेजों का क्रय मूल्य, 15 मेजों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कहेगा तो किसका मान हो जाएगा, सीपी, सीपी का मान कितना होगा 15 का, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एसपी का मान कितना हो जाएगा 20। तुरंत आंख मूंद के क्या करना, नीचे 20 रख देना, यहाँ भी 20 रख देना, जो बचेगा सीपी का मान यहाँ 15 रख देना गुणे 100। अब देखो यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 5, ठीक है। और आप तेजी से कैलकुलेशन करना चाहते तो यहीं काट सकते हैं, 20 5 100 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 15 में से नहीं जाएगा तो 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस 5 और गुणे 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 25। और 25 माइनस क्या शो करेगा, हानि, यानी 25% की क्या होगी, हानि होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तेरा यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कह दिया यानी सीपी, सीपी का मान कितना दिया है 12, 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एसपी का मान कितना है 10, तो हम क्या करेंगे, एसपी नीचे रखेंगे 10, यहाँ माइनस के 10, यहाँ कितना बचेगा 12 गुणे 100। अब 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 2, और एक जीरो से एक जीरो यहीं काट दो, यहाँ कितना बचेगा 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। अगर धनात्मक वैल्यू आया तो क्या होगा, लाभ होगा, यानी 20% का क्या होगा, लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, बस आपको इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, रेलवे में हुआ या ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, लेखपाल हुआ, यूपीटी को लेसिक थ्रू को एग्जाम होता है, सब में क्वेश्चन आता है। और जब वस्तु वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ आप अपने माइंड को खोल के बैठेंगे ध्यान से कि ये किस तरह से लगेगा, यहाँ एसपी को नीचे रखा जाता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होगा। कह रहा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य सीपी का मान कितना दिया है 12, सीपी का मान कितना दिया है 12, और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो यानी एसपी का मान कितना दिया है 9, तो सीपी को, एसपी को क्या करेंगे, नीचे रखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे एसपी, और इधर कितना होगा 12 अगुड़े 100, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे, 12 में से 9 हो जाएगा 3 बट्टे 9 गुड़े 100, 3 तिक्का 9 यानी कितना हो जाएगा 100 बट्टे 3 प्रतिशत, कितना हो जाएगा
100/3%। अगर एग्जाम में ऐसे ना दिया रहे तो ऐसे भी दिया रहता 33/1/3%, 33 99 100/3%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। देखो कभी कभी एग्जाम में इस रूप में भी देगा, ठीक है, तो आप वहां चेंज कर लेना कि हमारा जो आंसर है किसके रूप में दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो क्वेश्चन ध्यान से समझने कह रहा, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, जब खरीदा कह दिया है तो किसका मान हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, खरीद रहा है यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं? सीपी। क्या लिखते हैं? सीपी। और सीपी का मान कितना है? 20। सीपी का मान कितना है? 20। उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, 15 कलमे क्या कर रहा है? बेच रहा है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 15। हमें दो ही टर्म देखना है, एसपी और सीपी, तो हम क्या करेंगे, तुरंत 15 को नीचे रखेंगे, माइनस 15 कर देंगे, जो सीपी बचेगा इधर कर देंगे, अगुड़े 100। अब 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 5। नीचे 15 गुड़े 100, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 5 1 5 है, 100 का 1 में गुणा करोगे 100 हो जाएगा बटे 3। तो देखो अब हमारा वैल्यू जो है धनात्मक में आया है, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले वाला। अभी बताए हैं पिछले सवाल में कि इसका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है 33/1/3%, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, बनिया का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। भाई देखो कह रहा 25 वस्तुएं क्रय किया, यानी क्रय किया मतलब खरीदा, और जब खरीद रहा तो उसको हम क्या लिखेंगे? सीपी। यानी सीपी का मान कितना दिया है? 25। उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया, यानी बेच दिया, कितना? 18। तो भाई अभी बताएं सिर्फ आपको क्या करना है, एसपी को नीचे रखना है और माइनस एसपी कर देना है, और जो बचेगा सीपी यहाँ लिख देना है, अगुड़े 100। तो अब 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 7, ठीक है। 18 7 कितना होगा? 25, नीचे 18 बटे गुड़े 100 हो जाएगा। अब 2 से काट लो, 2 9 18, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। 50 7 कितना हो जाएगा? 7 5 35, यानी 350/9%। क्या होगा? ये लाभ होगा, ठीक है। 350/9% क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको कितना समझ में आ रहा है।